शार्क। ये ऊपर 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 ऊपर, ये दोगलापन है, ये दोगलापन है, ये शूट में हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। I'm out. Hello everyone. My name is Dr. Nainish Shahir. And I'm Dr. Rujita Puranik. And welcome to our channel. Not just a doctor. आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि why Shark Tank India is a must watch show for every youth of this country. The name of the channel is not just a doctor. In spite of me being a medico, मेरे दिमाग में ऐसे हजार डिफरेंट थॉट्स आते हैं जो मुझे पता है कि 50-60% ऑफ द मेडिकोस के दिमाग में भी आते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से इट आउट लाउड। दिस ईयर आई विल बी टर्निंग 24, पर जब मैं 8 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं 15-16 ईयर्स ओल्ड का था एंड जब मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत थी, तब इंडियन टेलीविजन पे कौन से शोज आते थे? बिग बॉस, बाप रे जाना नहीं, रोडीज, डबल मीनिंगफुल रोल था, शर्म नहीं आई तुझे ऐसे गंदी गंदी गालियों वाले गाने गा के? या फिर टेली सोप, जो पूरे इंडियन टेलीविजन को आज तक रन कर रहे हैं। अगर आप इंडियन हाउसहोल्ड में पले बड़े हो, देन आपके घर में टेलीविजन तो चलता होगा, एंड अगर आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो हर एक के डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, घर में वो शोज चलते हैं, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे एक्सपोज हो ही जाते हो। एंड मैं आपको 100% बता सकता हूँ, किसी ने भी उसके जो शोज थे उससे लाइफ में जीरो बेनिफिट हुआ है, जीरो, कुछ भी बेनिफिट आज तक नहीं हुआ। इस साल मैं अपना MBBS कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ। तो जो 15-16 ईयर्स के होते हैं या फिर उससे भी पहले, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता उन्हें उनके लाइफ से क्या चाहिए। एंड टिपिकल इंडियन मेंटालिटी में इंजीनियरिंग करो या फिर मेडिकल करो या फिर कॉमर्स करो, इसके बाहर कोई सोचता ही नहीं है। What is entrepreneurship? यहाँ पे इंडिया में इसके बारे में बात नहीं होती, एंड दिस शो प्रूव्स दैट एवरीवन कैन बी अ एंटरप्रेन्योर। जिन्होंने ये शो देखा नहीं है, मैं उनके लिए बताती हूँ इस शो में है क्या। शार्क टैंक इंडिया US या फिर UK के शार्क टैंक का इंडियन अडेप्टेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपना बिजनेस का आइडिया पिच करते हैं शार्क्स को। अभी शार्क्स वो लोग हैं जिन्होंने खुद का लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट किया, एंड दे हैव मेड रियली बिग इन लाइफ, और वो अपने पैसे लगाकर इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट एवरीवन कैन ग्रो। नाउ व्हाई दिस शो इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, नो मैटर आप किस एजुकेशनल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। एंड इस शो में हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोग आते हैं, एंड वो अपने आइडियाज पिच करते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मोर देन 90% स्टूडेंट्स इन इंडिया आज उस फील्ड में है जो उन्होंने खुद से चूज ही नहीं किया। इट वॉज आइदर ड्यू टू द फैमिलियल प्रेशर, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, टीचर्स, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ दूसरा एक्सपोजर लिया ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे एंडेड अप इन व्हाट दे आर डूइंग। एंड उसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे आर डिससैटिस्फाइड, उन्हें मजा नहीं आता जो कर रहे हैं। एंड उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भी है, एंड लैक ऑफ एक्सपोजर का भी है। अब मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देख लो, इंजीनियरिंग के बाद दे एंड अप डूइंग स्टार्टअप्स, बहुत सारे इंजीनियर्स आज बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं। एंड वैसे ही जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है टू फ्रीलांस एंड लर्न डिफरेंट थिंग्स एंड एक्वायर न्यू स्किल्स। अब मैं बहुत ज्यादा नैरो डाउन होता हूँ स्पेसिफिकली टू द पीपल हु आर डूइंग PCB, उनके लिए इट्स आइदर MBBS और इट्स नथिंग। जो लोग MBBS क्रैक नहीं कर सकते, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए लाइफ एक फेलियर बन जाती है अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। वो लोग एक फेलियर बन इसलिए जाते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने MBBS क्रैक नहीं किया, उनके लाइफ में अभी बाकी कुछ ऑप्शंस बचे नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम MBBS देर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांचेस दैट यू नीड टू एक्सप्लोर, आपकी लाइफ उधर खत्म नहीं हुई। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इतने सारे आइडियाज होते हैं जो वो कभी नर्चर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एकेडमिक्स, एंड ये शो वहां पे प्रूव करता है कि आप आपके लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और अभी बात जब आती है जिन्होंने PCM या PCB लिया है, उनके दिमाग में ये क्लासेस वालों ने इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है कि दे डोंट नो व्हाट टू डू इफ दे फेल। बट ऐसा नहीं है, दे एक्चुअली लिमिट देयर पोटेंशियल बाय मेकिंग देम थिंक दैट वे। एंड अभी जिनको MBBS मिला भी है या फिर जिनका MBBS कंप्लीट भी हो गया है, आई सी माय कलीग्स, दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव डन और व्हाट दे हैव अचीव्ड, दे स्टिल डोंट नो इफ व्हाट दे वांट इन लाइफ इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि पूरा दिन शार्क टैंक देखो और अपना टाइम वेस्ट करो, हालांकि हम दोनों ने भी ये शो बिंज वॉच किया है एंड वी आर ह्यूज फैंस ऑफ दिस शो, बट टाइम इज वैल्यूएबल एंड एग्जाम्स आर ऑन द वे, ऑलमोस्ट सबके एग्जाम्स ऑन द वे। बट जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, जब भी आप चिल करना चाहते हो ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स के लिए, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस शो। एंड मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि इसमें से आप अपने लाइफ में वैल्यूज ही ऐड करने वाले हो।
एंड यू कैन वॉच दिस शो ऑन यूट्यूब एज वेल एज द सोनी लिव साइट. एंड हम लोग इसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं. This is not a paid promotion, guys. But definitely we are huge fans. I hope Shark Tank आप देख रहे हो. ठीक है. तो Shark Tank India पे जो judges है, like पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, इन्होंने बड़े बड़े brands like Boat Headphones, Lenskart, Sugar Cosmetics, इस सब के वो co-founders है. तो here are 5 things that you need to learn from the sharks. Now the first thing that you will learn is no idea is small. आपको घर बैठे बैठे हजार different ऐसे ideas आते हैं जिनमें potential हो सकता है कि वो दुनिया का बहुत बड़ा problem solve कर सकता है. But आपके आसपास वाले लोग आप पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, या फिर आप खुद को बहुत इन्फीरियर समझते हो कि आप में उतना पोटेंशियल है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो. एंड वैसे ही शार्क टैंक इंडिया में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे आइडियाज पिच करते हैं. एंड तभी आपको क्लिक होता है कि भाई ये अगर बंदा ऐसे आइडिया प्रेजेंट कर सकता है तो मेरे में भी वो पोटेंशियल है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप शार्क टैंक से सीखते हैं वो ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर. मतलब यू कैन बी अ टीनेजर या फिर आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल भी हो सकते हैं. आइडिया का कोई ये नहीं है कि वो इसी एज में आएगी या किसी और एज में आएगी. अगर आप क्रिएटिव है और आप में हसल करने की जुनून है, देन योर आइडिया कैन डेफिनेटली चेंज द वर्ल्ड. जब आप ये शो देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक 17 ईयर ओल्ड आया है अपनी मॉम के साथ एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके, और एक 60 ईयर ओल्ड भी आया है जिसने MNCs में काम करने के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया है जो आज सबको हेल्प कर रहा है. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज कम्युनिकेशन स्किल. मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल इस दुनिया की नंबर वन एक्वायरेबल स्किल होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए. नो मैटर अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर आपको अच्छा बिजनेस रन करना है, या फिर आपको वाइवा में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपके लिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड जब आप ये शो देखते हो तो आप देखते हो कि कैसे एंटरप्रेन्योर एंड शार्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स को शार्क्स को इम्प्रेस करना होता है, इसके लिए दे नीड टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तभी शार्क इम्प्रेस होते हैं. एंड वैसे ही शार्क्स की भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना होता है, एंड उन्हें एक अच्छी डील में वो प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करना होता है उस प्रोडक्ट में. दैट्स वाई कम्युनिकेशन स्किल बहुत दोनों साइड से बहुत ज़्यादा काम आती है. So now the fourth important thing that you need to learn from the sharks is कैसे आपको लाइफ में चीजें बैलेंस करनी है. मतलब अगर आप Shark Tank India देखते हो तो ये जो sharks है इनको अभी अपने लाइफ का एक एक सेकेंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स सिर्फ स्टडी करो. आप अपने स्टडी टाइम के अलावा अपना टाइम ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपको एंजॉयमेंट भी दे. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन अक्वायर अ न्यू स्किल, मे बी यू कैन गो आउट फॉर ट्रैवलिंग, या फिर आप म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर आप अपने हॉबीज को ज्यादा ध्यान दे सकते हो. का ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ स्टडी करना है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए. Now the fifth and the last important thing that you need to learn from the sharks is multiple sources of income and multiple investments. ये सबसे important है आपके life में. अगर आप एक ही चीज़ पे time and money invest कर रहे हो life में, then at some point in life वो exhaust हो जाएगा. आपके अगर future retirement के बाद आपको आपके पास पैसा चाहिए, then at a very young age you need to do multiple investments. पर अगर आप एक student हो and आपके पास उतना पैसा नहीं है invest करने के लिए, but हर एक student के पास होती है उसकी सबसे valuable चीज, एंड वो है उसके नोट्स. सोच को अगर कोई आपको आपके नोट्स के लिए पे कर रहा होगा, सो हियर्स प्रेजेंटिंग टू यू क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स एक ऐसी साइट एंड ऐप है जहां पे हर एक स्टूडेंट एज अ नोट क्रिएटर अपने खुद के नोट्स सेल कर सकता है, एंड यू कैन अर्न फॉर दैट. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज कैन बाय दिस नोट्स एंड दे गेट अ चांस टू कम्युनिकेट. तो बेसिकली क्रेयॉन्स इज द लार्जेस्ट स्टूडेंट पीयर लर्निंग कम्युनिटी, एंड इट इज अ कम्युनिटी मेड ओनली बाय स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट. अगर आप क्रेयॉन्स पे हो तो यू कैन कनेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज, लाइक फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एज वेल एज अदर यूनिवर्सिटीज, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ डाउट सॉल्वर. दिस साइट प्रोवाइड्स यू अ चांस टू buy your own notes without even asking for someone else. And यहाँ पे top students ने उनके top notes यहाँ पे upload किए हैं. You can get a chance to access them. So don't miss an opportunity to be the part of the biggest community of students, and it's absolutely free to sign up on Crayons. And you can also access my notes which I have uploaded on Crayons. मैं अपना referral code description box में mention करूँगी. And one more thing, अगर आप एक Crayons पे एक note seller हो, तो you can even send your own ref
रेफरल कोड टू डिफरेंट पीपल सो दैट दे गेट एक्सेस टू योर नोट्स। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वी ट्राइड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम एंड वी होप कि आप तक हमने कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे चाहिए आगे जाके तो आप कमेंट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, थोड़े फॉलोअर्स भी बढ़ा दीजिए। टिल देन पीस बाय। वाह पाइनएप्पल असता नसे कहता गेला।